अपने पड़ोसन के घर में गई महेश की अम्मा। हाँ दीदी कैसे आए? अगला पानी भरना के कल दिन फिर आए मैं तो बाजरा पानी मंदिर के राजा तुमने द्वार काम करने हमार नाम के दी सुनी नहीं बात कोई नहीं बात हुई सत्यराजे के भाई जो प्रशांत थे हाँ हाँ उन्हें कन्हैया ने मन पे लालच में माता दिया और मर चुके और तुम कई उम्रता उसने सही सारा हम ना गए दीदी का बहनों जहाँ लौट गए बने जबकि हमने छोड़ गई वो अपने पड़ोसियों के घर में गई राहुल की अम्मा मैं जाता हूँ मैं आपका दूर बैठा। अच्छा, हाँ, क्या भाई ना करेंगे तो
सुबह से शाम जब हुई पूरी द्वारका में आकर गई शत्राजित का भाई कन्हैया की मर्द बहरी मर्द ने कसम खबाई थी कि बादशाह के शत्रुराज को घर में भीतर बैठ कर रोना लेकिन जो औरत से बात एक रात ना जती धन्य और देवी और मुझसे भगवान ने बचा इनके लिए कोई काम न संभवना या काम पड़े नारियां ना कर सके के माध्यम से आधार टीवी चैनल का
लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। भैया गुरदीप जी को माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। कामना करूंगा ये पर इनकी संस्था को और भी आगे बढ़ाएं। और साथ में ही बंपी यादव, अमित यादव और बंपी यादव, ये चाचा जी माननीय श्री समल चंद्र जी का माल्यार्पण और वस्त्र प्रदान कर सम्मान कर रहे हैं। भगवान भैया को सदबुद्धि प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तो नाना जी हमने किसी की चोरी नहीं की, लेकिन झूठा कलम की आदत गर अगर हमें लगाता है तो विश्राम हम जब करेंगे जब मर का पता लगा। संभ्रांति यादवों को लेकर कन्हैया वन में गए हैं, मर्दी तलाश करते हुए भगवान श्री कृष्ण जाम बंदनी गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। कहा कि भक्तों मंजिल हमें मिल चुकी है, मर वाला गुफा के अंदर, गुफा भयानक है, आप लोग 29 दिन तक यहां ठहर कर हमारा इंतजार करोगे। हम अकेले गुफा में प्रवेश करें 19 दिन में अगर मैं बाहर आ जाऊं ठीक है, नहीं तो 19 दिन सूर्य अष्ट की वेला में आप द्वारका धाम को चले जाओ। नाना जी से कह देना कन्हैया मारे प्राण हथेली पर रखकर श्री कृष्ण भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर से भयानक कन्हैया ने प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत मनोरम था, we'll be right back।
श्याम बंद दहा कमल कन्हैया से मल युद्ध थक गया। सात दिन सात रात बीते, आठवें दिन श्याम बंद धरती पर जब गिरे हैं, हाथ जोड़ कर कहा कृपा निधान क्षमा करो नाथ, हम पहले आपको पहचान नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोष आपका नहीं, जो कुछ हुआ हमारी इच्छा के आधार पर। याद करो, जब हम राम रूप धारण कर अयोध्या में आए थे, छोटी मां के कली में हमें 14 वर्ष का वनवास दिया था। दक्षिणी भारत पंचवटी से जब सीता जी का हर पर आप हमारे रामादल के महामंत्री बनकर लंका में गए, लंका विजय करने के बाद जब हम अयोध्या में आए, तब हमने तुम सभी से प्रश्न किया कि लंका के युद्ध में किसी के दिल में कोई अरमान तो नहीं रह गया? सभी की गर्दने नीचे झुक गई थी, लेकिन आपने हाथ की कुदरत ने हमसे कहा कि लंका में युद्ध तो हुआ, लेकिन हाथों की खुजली मत नहीं पड़ी। तब हमने तुम्हें वचन दिया था प्रिय जाम पर, अब हमारे बिना तुम्हारे हाथों की खुजली मैंने वाला दुनिया में दूसरा है ही नहीं। लेकिन इस वक्त हम नहीं लड़े, आप द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर के अंतिम क्षण में यादव कुल में जब हम कृष्ण वन भारत में आए, द्वारकाधीश बनने के बाद हमें मण की चोरी लग गई, मण का रास्ता हुआ मैं आपके पास आऊंगा, तब हम ही आपके हाथों की कुंडली में मिले। आज वो दिन अगर हाथों की खुजली मिट गई हो तो बड़े हमें और अब भी दिल में अरमान है तो दोबारा फिर आ जाओ।